नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आज के रेसिपी के लिए ले लिया है 1 कप बेसन। एक बाउल में डाल लेंगे, साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। ये फ्रेंच फ्राइज खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको नया कुछ ट्राई करना है तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। पानी डाल के पहले हमें गुठलियाँ हट जाने तक इसे हाथ से अच्छे से मिलाना है। एक बारी में हम पानी डालेंगे तो लम्स पड़ने का चांस है और लम्स हटाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, तो हम पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिलाते हुए फेंटेंगे। बैटर हमारा ऐसे बनके तैयार होगा और 1 कप बेसन में हमें आधा ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ी है। इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम इसे अच्छे से 1-1.5 मिनट फेंट लेंगे। ये 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होता है। आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, कभी सफ़र में जाना हो कहीं पे आप इसे बना के अपने साथ रख सकते हैं। डालेंगे इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा हींग, 2 पिंच है करीब, अच्छे से मिलाएंगे। बेसन को हमने अच्छे से फेंट लिया है, देखिए। अब हम बेसन को ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम फ्रेंच फ्राइज के लिए सॉस बना के तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच काली वाली सरसों। सरसों को हम अच्छे से पहले चटक जाने देंगे। डालेंगे थोड़ा सा अदरक चॉप करके और 2 हरी मिर्च को हम चॉप करके डालेंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। सभी चीज़ें जब अच्छे से भून जाए हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ते। अब हम यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1/2 कप से भी कम, करीब 2-3 चम्मच पानी डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे
और ऐड करेंगे हम आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा टमाटो केचप। अच्छे से मिलाएंगे, हाई फ्लेम में बस कुछ ही सेकेंड हमें इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाना है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, करीब हमने 30 सेकेंड ही इसे मिलाते हुए चलाया है। तो ये हमारा तड़के वाले सॉस बनके तैयार है, इसे हम सर्व कर लेंगे एक बाउल में। एक हम पैन ले लेंगे, इसमें हम हल्का ऑयल से ग्रीस कर लेंगे चारों ओर। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा हमने चारों ओर तेल लगाया है। अब हम ये जो बैटर है इसे एक बार अच्छे से फेंट लेंगे और बैटर को हम पैन में डाल देंगे। गैस का फ्लेम डालते टाइम बिल्कुल लो पे रखेंगे। हल्के हाथों से हम पैन के चारों ओर इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के 6 से 7 मिनट इसे अच्छे से एक तरफ होने देंगे। 5-6 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। तो नीचे की ओर अच्छे से हमारा सिक गया है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम 2 से 3 मिनट वेट करेंगे जब तक ऐसा ही नीचे की ओर अच्छे से सीख ना जाए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे। 3-4 मिनट बाद नीचे की ओर भी अच्छे से हमारा सीख गया है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। दोनों तरफ से हमारा अच्छे से सीख गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हमें इसे काटना है। तो जैसे ही हम तवे से निकालें उसी वक्त आपको कटिंग नहीं करनी है, तो 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ें, उसके बाद आप इसको कट करें। 5 मिनट हो गए, अब हम इसे स्लाइस में काट लेंगे। थोड़ा पतले, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से मोटा रखेंगे। आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं हम। तो पहले हम ऐसे लंबाई में काट लेंगे। तो पहले हमने लंबाई में काट लिया है, अब हम बीज में से एक कट लगाएंगे। तो जो साइड का हिस्सा है वो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए 2 टुकड़ा करेंगे, और जो बीच का स्लाइस है उसे हम 3 टुकड़ा करेंगे। और साइज अब अपने हिसाब से यहाँ पे छोटे बड़े रख सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि कैसा कटिंग किया है। देखिए ये अंदर की ओर से अच्छे से सीख गया है। तो सभी ऐसे हम काट लेंगे। हमने काट के रेडी कर लिया है, और एक तरफ हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब हमारा मीडियम गर्म हो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे, और लो फ्लेम करके हम ये डाल देंगे। एक बारी में ज़्यादा नहीं डालेंगे। डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके 1.5-2 मिनट एक तरफ होने देंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है।
देखिए कितना अच्छा कलर आए हैं। तो इसी स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे फ्राई करने में। देखिए तो इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। दो मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। चारों ओर से जब अच्छा कलर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी है, आप जब इसे बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। देखिए ऊपर से बहुत ही क्रिस्प और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।